अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी हैं गोविंद सिंह के मंझले भैया, जो 3 साल से 50 लोगों के साथ आते हैं और घर खाली करने की धमकी दे। एक अभी जैसी नगर से मामला है, एक महिला का वीडियो चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कह सकते हैं? नमस्कार, खास खबर हम आपको बता रहे हैं जो जैसी नगर से जुड़ी हुई है, जहां महिला ने आरोप लगाया है। वहीं पर जो है मंत्री के भाई हीरा सिंह राजपूत का भी बयान सामने आया है, लेकिन जैसी नगर की जो लोग एकजुट हुए हैं कहते हैं कि बड़ा महादेव मंदिर जहां विकास की तरफ जाता हुआ यह मंदिर दिखाई दे रहा है, वहीं पर जो है पुजारी और उनका परिवार आरोप लगा रहा है। खैर, आरोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन जहां सरकार विकास के लिए तत्पर है वहां पर जो है मंत्री गोविंद राजपूत विकास भी करा रहे हैं और साथ में जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि राजनीति का तवा इतना गर्म हो चुका है कि यह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति इतनी हावी हो चुकी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब चल चुका है। हम आपको बता रहे हैं तुम तक न्यूज पर क्या कहा। मैं मेघा द्वारका दास, बैठना जैसी नगर, जिला सागर से। मेरे पिताजी जैसी नगर में 40 वर्षों से रहते हैं और पूजा पाठ कर्म कांड का काम करते हैं, लेकिन 3 वर्ष से पूर्व मंदिर की कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी हैं गोविंद सिंह के मंझले भैया, जो 3 साल से 50 लोगों के साथ आते हैं और घर खाली करने की धमकी देते हैं। 4-5 बार वो आके ऐसा कर चुके हैं, इसके बाद भी वो आज आए और उन्होंने घर पर आकर हमें धमकी देते हुए कहा कि घर खाली कर दीजिए और घर को हम जेसीबी चलवा रहे हैं, घर आपका हम गिरा रहे हैं। ऐसी धमकी देके सिर्फ 2 मिनट में इतना बोल के चले गए। ना उन्होंने द्वारकादास जी जो इस मकान का मालिक है उनसे बात की, बस इतना कह के ना कोई बात, ना नोटिस, ना कोई भी चीज है नहीं इनके ऐसा बोलने से। और हमने पूछा कि आप किस वजह से हमारा घर गिरा रहे हो, तो बोलने लगे हमारा घर है, हमारा घर है, हम जो चाहे हम वो करेंगे। और मैंने कहा कि हमने तो आपको कभी नहीं देखा, मैं 40 साल से पापा इधर रह रहे हैं और मैं जब से हूँ मैं पापा को इस घर में देख रही हूँ। तो बोलने लगे नहीं नहीं वो हमारी जगह, हमारा घर, हम जो चाहे हम वो करेंगे। ऐसी धमकियां देकर बस आके और चले गए। बताइए अब हम क्या करें, हमारे पापा का पूरा जीवन 60 वर्ष यही निकल गए, 60 साल की उम्र उनकी इधर है, 40 वर्ष से वो जैसी नगर में रह रहे हैं। मंदिर की कमेटी के जो महंत जी हैं, मंदिर के जो रेवादास महंत जी, वो हमारे पापा के मामा जी हैं, वो रेवादास महंत जी हमारे पापा को बचपन में इधर लेके आए थे और जब वो वृद्ध हो गए 98 वर्ष के हो चुके ना, तब गांव के ग्रामीण लोगों की और इनकी मंत्री लोगों का मंत्रिमंडल गठन हो गया और कमेटी बन गई और हीरा सिंह जी उसके अध्यक्ष बन गए और जो आदमी चाहे, जो हीरा सिंह चाहे बस वो होगा, बस जो उनको करना है वो होगा। आएंगे नेता लोगों के साथ, आएंगे लोग, आएंगे 50 लोग साथ में रहेंगे और बस भीड़ को में रह के हमें धमकियां देंगे और उल्टे सुलटे बात करेंगे। ना उनमें बोलने का वो है, अगर हम बोले कि आप ऐसा क्यों करोगे तो नहीं सुनना, मेरा घर तुम कौन होती हो, ये कोई तरीका है बात करने का? मंत्री लोगों को ये शोभा देता है क्या? आएंगे ना तहसीलदार, ना कोई बात करेगा, ना नोटिस देगा, कुछ नहीं देगा, बस हमारा है, हमारे पास प्रूफ है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास सब है, लेकिन हम लोगों के लिए ऐसी कोई जानकारी ही नहीं देता। क्या करें, हमारे पिताजी आखिर जाएं तो कहाँ जाएं, 60 साल की उम्र में उनके 4 बेटियां, 1 बेटा, कमाने वाला उनकी पत्नी है नहीं, वो इस उम्र में करेंगे क्या करेंगे, एक गरीब ब्राह्मण के साथ इतना अत्याचार, अरे बाप रे, भगवान से भी नहीं। एक अभी जैसी नगर से मामला है, एक महिला का वीडियो चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कह सकते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है भाई, मैंने वो वीडियो देखा, जैसी नगर बड़े महादेव मंदिर का इतना भव्य रूप गोविंद राजपूत जी और हम लोग मिलकर दे रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने 50 लाख मंजूर कराया वहाँ धर्मशाला, और कल मेरी बात हुई थी, तहसीलदार अधिकारी सब लगे हुए हैं कि भाई एक कच्चा टपरा बना है और उनको हम लोग एक प्रधानमंत्री आवास में भी नाम उनका है और वह पैसे भी दे रहे थे, पट्टा दे रहे थे, और वो महिला तैयार भी थी, पर किन्हीं कांग्रेस के मित्रों ने रात में ले जाके अपने हिसाब से वीडियो गिरवा दिया है। आज तो उसका भारी विरोध हो रहा है भाई, अब जाके देखी मंदिर में देखी, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवा रहा है, उसे हमें क्या लेने देना, एक धर्मार्थ का बहुत बड़ा स्थान बन रहा है वो, हमारी जैसी नगर का कुंडेश्वर और बांदकपुर जैसा स्थान बन रहा है, उसमें तो सैकड़ों हजार लोग प्रसन्न है उससे, ये फर्जी वीडियो डाल दिया है और उसका जाके आप लोग खुद देखिए, पता करिए।